क्या मुकेश जैन जी का क्या योगदान है बेगूसराय में, इतना हमको खाली बता दो। उनको पूरा पार्टी के लिए एकदम समर्पित हैं, पहले भी और आज भी हैं। तो जनता के लिए ना बोलिए, उनको तो आयोग जनता के लिए बनाया गया है, तो पार्टी तो बाद में। हाँ, सुने 60 लाख रुपया मिलेगा 3 साल में आया। 60 लाख मिले या नहीं मिले उससे अच्छा। क्या फर्क पड़ता है, लोगों को तो आंख लग गया है। अलू अंसारी के कहा तकलीफ हो गया, अरे वो भी तो मुखिया है, उनको भी तो कमीशन मिलवे करेगा, ऐसा थोड़ी उनको कमीशन मिलेगा। प्रवक्ता जी कुछ बोलिएगा, आप कुछ बोलिएगा। क्या चीज पूछिए, तो बुझाता है कि मुकेश जैन जी अल्पसंख्यक में नहीं आते हैं तो न्यायालय में मुकदमा कर सकते। पार्टी का वफादार सिपाही है, लाख हमारी उससे मनमुटाव हो अच्छा। लेकिन इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते हैं, पार्टी के वफादार हैं। उन्होंने जनता दल का झंडा हर हमेशा उठाने का काम, झंडा जो ढोएगा वो आयोग में कुछ पद पा जाएगा, यही जरूरी नहीं है। 20 साल से जेडीयू के कई बेगूसराय के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पार्टी का झंडा ढोते धोते जूता घिस गया है, लेकिन उनको कोई पद ना प्रकोष्ठ कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मुकेश जैन के पद मिलने के बाद, यानी कि एक सदस्यता मिल अल्पसंख्यक समाज में एक सदस्य होने के बाद जो है कई एक जेडीयू के कार्यकर्ता को जो है मिर्ची आंखों में लगी है, क्योंकि सदस्यता मिलने के बाद जो है हर एक महीना जो है 2 लाख से ज़्यादा जो है पैसे मिलते हैं, और करीबन 3 साल के दौरान जो है 60 लाख रुपया मिलता है, और कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी को मिर्ची लगेगी, क्योंकि 20 साल से लोग झंडा झूर रहे हैं। चाहे अभी हाल ही में जो है एक प्रतिक्रिया आया है अल्पसंख्यक के प्रदेश के शायद महासचिव हैं लुलू अंसारी हैं उनका नाम, एहतसामुल उर्फ लुलू अंसारी हैं, मुखिया भी हैं। उन्होंने इस पर विरोध जताया है कि मुकेश जैन को आखिर क्यों जो है अल्पसंख्यक समाज का जो है यहाँ पर जो है एक सदस्य चुना गया है आयोग में। और हमारे बीच सुमित प्रधान जी हैं, युवा नेता हैं जेडीयू के, इन ये भी कई एक साल से जेडीयू का झंडा ढो रहे हैं और प्रकोष्ठ में भी हैं, पद में भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अल्पसंख्यक समाज से उनको जो है पद दिया गया, उसके बाद जो है उन्हीं के पार्टी यानी आप ही के पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, क्या बात है। इस वीडियो के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर पीयूष कुमार, हृदय रोग विशेषज्ञ, जहां हो हृदय संबंधित रोगों का बेहतर इलाज। तो आज ही आए सोमाया मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, हमारा पता है डॉक्टर सुशील कुमार क्लिनिक, स्टेशन रोड बेगूसराय। देखिए मुझे नहीं लग रहा कोई लोग विरोध कर रहे होंगे। हाँ, कटिंग है पेपर की। हाँ, उनको जानकारी का थोड़ा अभाव होगा, अच्छा वो सही जानकारी नहीं रख पाए होंगे, इस वजह से कोई कुछ बोल रहे होंगे। लेकिन उनका कहना है कि आप हम एगो बताते हैं मुकेश जैन जी क्या है, उनका क्या समीकरण है क्षेत्र में जो उनको आयोग का यहाँ पर बनाया गया है। उनको समीकरण देख के नहीं बनाया गया अच्छा। है अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाया गया है, उसमें समीकरण नहीं देखा जाता है, उसमें अल्पसंख्यक समाज से जो व्यक्ति आते हैं उनको बनाया जाता है। तो और आपके समाज में तो 20-20 साल से समता पार्टी से कितने लोग हैं जो अल्पसंख्यक समाज से, उनको कहीं जगह मिला ऐसा? जब नाम देखिए कितना किनका लोग है, आपके देखिए चंद्र प्रकाश शर्मा है, पंकज सिंह है, डॉक्टर धर्मेंद्र पटेल है, लाल बहादुर महतो है, असमत खातून है, यहाँ पनीता मिश्रा है, अरुण गांधी है, इतने इतने सारे लोग हैं, इनको काहे ने पद मिला, जूता घिसते रह गए हैं 20 साल से, अभी खाली नीतीश जी का ढंडा ढो रहे हैं। ये लोग अल्पसंख्यक समाज से नहीं आते, नहीं आते हैं जी, और मुकेश जैन जी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। तो मुस्लिम में तो 2-3 को का नाम बताया हमने ना, तो मुस्लिम में नाम बताएं तो फिर एक ही जगह से 2-2 लोग को तो नहीं लिया जा सकता है अच्छा। और भी पूरे बिहार में और भी ना कार्यकर्ता तो है। मुकेश जैन क्यों आखिर? मुकेश जैन जी पहले भी नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, और जिस समय वो नगर अध्यक्ष थे उस समय हमको लगता है उनके दरमियान में, पहले वो नगर अध्यक्ष हैं जिनके दरमियान में हर वार्ड में हर बूथ पे बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड संयोजक, नगर का भी सारा कमेटी उनका मतलब कंप्लीट था, हर जगह बूथ पे वो अपना पूरा पार्टी के लिए एकदम समर्पित थे, पहले भी और आज भी हैं। तो जनता के लिए ना बोलिए, उनको तो आयोग जनता के लिए बनाया गया है, तो पार्टी तो बाद में। हाँ, तो ना आज उनको उनके समाज का लोग, क्या मुकेश जैन जी का क्या योगदान है बेगूसराय में, इतना हमको खाली बता दी। उनको जिस समय बनाया गया उसमें वो पार्टी के कार्यकर्ता थे, अब वो जनता के लिए हो गए, अब वो अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करेंगे अच्छा। और इसी वो जब पार्टी के लिए उतना समर्पित होकर काम कर रहे थे, अल्पसंख्यक समाज से थे, और आज जब उनको आयोग का सदस्य बना दिया गया है, तो मुख्यमंत्री जी कुछ सोच समझ के बनाए हैं, इसी उनके कार्यशैली को देखते हुए अंसारी के कहा है तकलीफ हो गया। अरे वो व्यक्तिगत किसी को भी तकलीफ हो सकता है, काहे नहीं होगा, काहे नहीं होगा। 30 लाख रुपये सुने 60 लाख रुपया मिलेगा 3 साल में आया। 60 लाख मिले या नहीं मिले उससे अच्छा। क्या फर्क पड़ता है, लोगों को तो आंख लग गया है ना हो। अरे वो भी तो मुखिया है, उनको भी तो कमीशन मिलवे करेगा, ऐसा थोड़ी उनको कमीशन मिलेगा, ऐसा थोड़ी उनको कुछ नहीं मिलेगा।
तो क्या लगता है यहाँ पर, देखिए पार्टी में कितने लोग हैं, पुराने पुराने लोग हैं, समता पार्टी से लोग हैं, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, अपना प्रकोष्ठ में जगह मिल पाता है, और उन लोग का तो समीकरण भी अच्छा है, मुस्लिमें की बात की, असमत खातून है, फिर बाद में अकील अख्तर जी हैं, और भी कई बुखारी जी हैं जो पुराने कार्यकर्ता और सब में आए हैं, अब लुलू अंसारी, उनको प्रदेश का भी मिला है, और यहाँ पर मुकेश जैन को मिलना कहीं ना कहीं लगता है ना छल हो रहा है पार्टी के लोगों के साथ। कहीं कोई छल नहीं हो रहा है, और 20 साल का तो कोई बातें नहीं है। अच्छा, 2017 में माननीय रुदल राय जी का MLC खत्म हुआ था, उसके बाद 2017 के बाद पहली बार 3-5 साल बाद बेगूसराय जिला को दोबारा एक पद मिला है। अच्छा, इसमें ना जी अल्पसंख्यक समाज से, और ये बहुत खुशी की बात है, कार्यकर्ता को मिला है, कार्यकर्ता को मिला है जी, लेकिन जनता के लिए क्या होगा? वो अब अल्पसंख्यक समाज के लिए करेंगे ना, अब उन्हीं का होगा, कि उन्हीं का होगा, अब उन्हीं का विकास होगा, बहुत मुख्यमंत्री जी का किए हैं काम, अब जनता के लिए काम करेंगे, इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी उनको भेजे हैं अल्पसंख्यक समाज में। प्रवक्ता जी कुछ बोलिएगा, आप कुछ बोलिएगा, क्या चीज पूछिएगा? हम ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, तब से बोलिए रहे हैं, आप तो प्रवक्ता हैं JDU के, आप बताइए कि यहाँ पर जो है मुकेश जैन जी को बनाया जाता है आयोग अल्पसंख्यक समाज का बनाया जाता है, और भी तो अल्पसंख्यक समाज में लोग हैं, उनको क्यों नहीं लिया गया? शायद आपको जानकारी नहीं है, या किन्हीं आदमी के माध्यम से आप बोल रहे हैं? हमको जानकारी नहीं, तो आप देन दीजिए। मोहम्मद अब्दुल्ला बलिया निवासी है, उनको 2-2 बार अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाया गया। आप कह रहे हैं कि जो 10-20 साल से जिन आदमी का नाम गिना है, उसमें से मात्र एक धर्मेंद्र पटेल जी हैं, जो पुराने लोग हैं, समता पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। अच्छा। बाद बाकी लोग के विषय में चर्चा करते हैं, जिनको 2005 में 6 में 8 में आया, उसकी आप चर्चा कर रहे हैं? अरे समीकरण है भाई ना, अल्पसंख्यक की बात होती है तो अल्पसंख्यक सिर्फ मुस्लिम ही नहीं होता। अच्छा, ठीक है, जिसकी संख्या कम हो, जिसकी संख्या कम हो, कम हो, और शर्मा सब भी तो है भाई, नहीं शर्मा अल्पसंख्यक में नहीं आता, नहीं आता है उसमें, शर्मा अल्पसंख्यक में नहीं आता है, अल्पसंख्यक आयोग तो वो होता है जिसकी संख्या कम हो। तो जैन समाज के कितना वोटर है यहाँ पर, ये बताइए हमें। हम वोट के विषय में नहीं जानते हैं, ठीक है, जैन समाज का कितना वोट है, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाए हैं। इसमें नियम क्राइटेरिया है कि 5-6 मुस्लिम समुदाय से लिया जाएगा, और 1 गैर मुस्लिम जो होंगे वो भी अल्पसंख्यक समाज से होगा, जैसे जैन फारसी होते हैं, ठीक है, तो वो लोगों में मुकेश जैन शायद आता होगा, इस वजह से मुकेश जैन को ले लिया गया। लेकिन आप ही के पार्टी के लोग तो विद्रोह कर रहे हैं। अब लोगों का काम है, उनको जानकारी नहीं होगा, यदि जानकारी नहीं है या है जानकारी, यदि उनको बुझाता है कि मुकेश जैन जी अल्पसंख्यक में नहीं आते हैं, तो न्यायालय में मुकदमा कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि उनको हटाना चाहिए पद से। लोकतंत्र में सबको अधिकार मिला है, यदि जिनको आपत्ति दर्ज करना है। मुकेश जैन की बेगूसराय में व्यक्तिगत छवि क्या है, और क्या है बेगूसराय जनता के लिए क्या है? जनता दल यू पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना भूमिका निभाया है। हाँ। इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और पार्टी का वफादार सिपाही है, लाख हमारी उससे मनमुटाव हो, लेकिन इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते हैं, पार्टी के वफादार। उन्होंने जनता दल यू का झंडा हर हमेशा उठाने का काम, झंडा जो ढोएगा आयोग में कुछ पद पा जाएगा, यही ना जरूरी नहीं है, झंडा उठाया तो ये कार्यकर्ताओं को मिलता है सीट, और पार्टी नेतृत्व। राजद ने गमला पेंट करने वाले लोग को दिया, जो भी कपड़ा साफ करते हैं उनको राज्यसभा भेजा, राजद ने भी बहुत सारे लोगों को आयोग में भेजा, लेकिन उन्हें पार्टी से अलग और विचारधारा से अलग लोगों को रखा। आप लोग के पार्टी में तो उल्टे चलता है हर चीज़। जी नहीं, यह आयोग का जो सदस्य होता है यह पार्टी के वर्करों के लिए है। अच्छा। और पार्टी ने समझा कि नहीं मुकेश जैन को जो है सो जाना चाहिए आयोग में। हाँ। हम लोग स्वागत करते हैं पार्टी के निर्णय पर, वर्करों के लिए तो पैसा सरकार देता हो, सरकार पैसा देती है। हाँ। यह सुविधा उपलब्ध कराया गया है आयोग बनाने का। अच्छा। सरकार के द्वारा, और उनको जो है सो माइनॉरिटी को बनाया है, तो माइनॉरिटी के गाँव में जाएंगे, अल्पसंख्यक की क्या समस्या है, माइनॉरिटी में सिर्फ आवाज उठाएंगे, माइनॉरिटी में सिर्फ एक जो है सो मुसलमान ही नहीं आता है, सिख ईसाई बौद्ध, ठीक है, सब धर्म आते हैं, सब पारसी, मतलब 7 धर्म में जो है सो 1 धर्म हिंदू है, बाद बाकी जितने धर्म इस देश में है वो अल्पसंख्यक माना गया है। चलिए, तो यहाँ पर हम और लोगों से भी बयान लेने की कोशिश करेंगे, और आपको बता दें कि मुकेश जैन को अल्पसंख्यक समाज के आयोग का जो है एक सदस्य बनाया गया है, जहाँ पर उसके बाद उन्हीं के पार्टी के कई लोगों का कहना है कि उनको जो पद दिया गया है वो उनको नहीं देना चाहिए, और भी लोग जो है लाइन में थे उनको भी मौका देना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पर यही है कि सीधा बात यही है कि बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा कि हम पार्टी का झंडा कई 1 साल से ढो रहे हैं, हमारा समीकरण है, हमारा वोट बैंक है, फिर भी हमें कोई पूछा नहीं जा रहा है। तो हम और लोगों से भी इस पर बयान लेंगे संक्षेप से, और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला।